नमस्कार दोस्तों, आपका आपके ही चैनल ई लर्नर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने पाठ 7 तक सीख चुके हैं। ये हमारा संस्कृतम का 8वां पाठ है। ये सीरीज जो चल रही है तो इसमें आपको पूरे 10 पाठ पढ़ाए जाएंगे, 10 लेसन पढ़ाया जाएगा। संस्कृतम पाठ 8वां आज हमारा चलेगा। दोस्तों, अगर चैनल आपको अच्छा लगता है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों एक ही बात है और एक ही निवेदन है हमारा कि आपका सहयोग हमारे लिए और हमारा सहयोग आपके लिए। कभी कभी हम जिसको इग्नोर कर देते हैं, जिसको ये समझ के कि नहीं नहीं अच्छा नहीं है, क्या है कैसा है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है, फिर भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इस पे अभी ये नहीं देखना है कि कितनी, आपको देखना है, आपको सीखना है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आइए इस पाठ में हम लोग क्या सीखेंगे। तो इस पाठ में हम लोग सीखेंगे संस्कृत के वचन, और 3 वचन हैं, प्रथम पुरुष के अनुसार सीखेंगे। दोस्तों, इस पाठ में हम संस्कृत के 3 वचन प्रथम पुरुष के का परिचय लेंगे। तो दोस्तों, हमने हिंदी में कितने वचन पढ़े हैं, तो एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पढ़ते हैं। दोस्तों, ये पाठ आपके, ये जो है पाठ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब इसको सीखेंगे तो इसमें बहुत सारा आपके वीडियो के अंत तक आपको ना बहुत सारा कैसे किस शब्द को क्या बोलना जाता है, बहुत कुछ सीखेंगे। मेरा ये आपसे वादा है कि आप वीडियो को पूछना कीजिएगा, आप पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अंत तक कितना ज्ञान मिलेगा कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, आइए आगे हम सीखते हैं। तो वचन, देखिए वचन यानी संख्या या नंबर। वचन क्या है, संख्या या नंबर है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन एक को दिखाने के लिए एक वचन होता है, जैसे हिंदी में एक को दिखाने के लिए एक वचन होता है, और फिर आगे जो संख्याएं होती हैं उसको दिखाने के लिए बहुवचन होता है। लेकिन संस्कृत में एक वचन एक को दिखाता है। द्विवचन, देखिए द्विवचन, द्विवचन दो को दिखाता है, इसको द्विवचन कहते हैं। द्विवचन दो को दिखाता है। बहुवचन दो से अधिक को दिखाता है। तो दो से अधिक ये नहीं दोस्तों कि खाली दो से अधिक आपकी कितनी भी संख्या हो, करोड़ों क्यों ना हो, उसके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, एक वचन क्या है, एक को दिखाता है। द्विवचन दो को दिखाता है, दो को दर्शाता है। यही द्विवचन जो होता है, दो वचन जो होते हैं, ये ना हिंदी में नहीं होता है। बहुवचन दो से अधिक को दिखाता है। देखिए जैसे क्या है वचन, देखिए आप वचन में एक घोड़े के लिए क्या है, अश्व घोड़ा, एक घोड़ा है। अश्व क्या है, द्विवचन के लिए क्या आ गया, अश्व दो घोड़े, अश्व एक घोड़ा, अश्व दो घोड़े, अश्वाह। एक दो से अधिक संख्याओं के लिए आपकी कितनी भी हो, यहाँ पर 3, 4, 5, 6 करोड़ों तक भी जाने दीजिए, उसके लिए बहुवचन का ही प्रयोग होता है। उसको हम बहुत सारे के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो एक बार ध्यान से आप फिर से देख लिए, अश्वाह एक घोड़े के लिए अश्वाह, दो के लिए अश्व, और 3 के लिए अश्वा। अच्छा, ऐसे ही लकार चलेंगे। तो आप ध्यान से देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी आपको अच्छा लगता है तो पढ़िए, और नहीं अच्छा लगता है तो आप जा सकते हैं। वचन, देखिए वचन क्या है, विडालह, ये संस्कृत में बिलार को क्या कहते हैं, विडालह कहते हैं। तो एक बिल्ली के लिए क्या आया है, विडालह। एक दो के लिए विडालह, 3 के लिए विडालाह, एक के लिए क्या आया,
एक वचन हो गया, विडाला क्या हो गया, एक वचन हो गया, विडाला क्या हो गया, दो वचन हो गया। और देखिए मैंने कहा था कि दो से अधिक कितनी भी संख्याएं होने दीजिए, करोड़ों अरबों में जाने दीजिए, उस सब के लिए बहुवचन का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर विडाला ये क्या हो गया, बहुवचन। ध्यान देने की बात है, ये विडाला एक बार आप मेरे साथ फिर से दोहरा लीजिए प्लीज। विडाला एक वचन, विडाला दो वचन और विडाला बहुवचन। अब देखिए खग, खग क्या होता है, पक्षी होता है। खग एक, एक के लिए खग, दो वचन के लिए खगो, और तीन दो से अधिक कितने भी हो संख्या है उसके लिए बहुवचन के लिए खगा। क्या है खग, मीन्स पक्षी होता है दोस्तों। अच्छा पीछे के थोड़ा हम आपको बता दे, पीछे अश्व आया था, अश्व तो मैं पहले भी आपको अदर लेसन में भी पढ़ा चुकी हूँ और आप चित्र से भी पहचान सकते हैं। अश्व मीन्स घोड़ा होता है, बिड़ाला मीन्स बिलार बता ही दिया, और खग मीन्स पक्षी होता है। अच्छा ऐसे भी आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे कई पक्षियों का चित्र दिया हुआ है, इससे आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कहीं स्पैरो ये क्या है, गौरैया है, तो कहने का मतलब ये तो नहीं खग मीन्स गौरैया हो गया, खगा मीन्स दूसरा हो गया, खगो मीन्स ग्रीन पक्षी दिख रहे वो हो गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। खग मीन्स खाली पक्षी होता है, कोई भी पक्षी का चित्र रहने दो, खग मीन्स पक्षी, तो एक पक्षी के लिए एक वचन के लिए खग होगा, एक को दिखाने के लिए क्या हो जाएगा खग, दो को दिखाने के लिए खगो, ये क्या हो गया दो वचन हो गया, और खगा क्या हो गया, खगा क्या हो गया, तो ये हो गया बहुवचन। ऐसे ही दोस्तों नर का चलता है नर, नरो नरा, और ऐसे ही मनुष्य का मनुष्य, मनुष्यो मनुष्या मनुष्या, ऐसे ही रूप चलता है। देखिए वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आता है, वर्तमान काल भी जो समय चल रहा है वो क्या होता है वर्तमान काल। हम इसे संस्कृत में लिट लकार कहते हैं, क्या कहते हैं वर्तमान काल को, हम संस्कृत में लिट लकार कहते हैं, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा ना एक वचन द्विवचन और बहुवचन, अब यहाँ पर आप पढ़िए एक वचन द्विवचन, और अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे, अगर आपको संस्कृत सीखने की सच में अभिलाषा है, लालसा है, तो आप पूरी वीडियो अगर देखेंगे तो आपको एंड तक, मेरा भी आपसे वादा है जब तक मैं आपको संस्कृत पढ़ना लिखना बोलना सिखा ना दूँ तब तक मैं भी रुकने वाली नहीं हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका कमेंट चाहिए कि कैसा है, क्या चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलिए आते हैं आगे और हम सीखते हैं, हम इस संस्कृत में लिट लकार, इसको क्या कहते हैं वर्तमान काल को, तो ध्यान दीजिए लिट लकार कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब देखिए दोस्तों एक वचन के लिए क्या है, द्विवचन के लिए क्या है, और बहुवचन के लिए क्या है लट। देखिए लट लकार हो गया, लिखत एक वचन, लिखत लिखता है, कौन लिखता है, एक लिखता है, एक लिखता है तो लिखत लिखता है, लिखता दो लिखते हैं, दो के लिए हम क्या लिख देंगे लिखतः, और बहुवचन के लिए बहु लिखंत, बहुत सारे लिखते हैं, तो बहुत सारे कहने की जरूरत नहीं है, बहुत से लोग लिखते हैं, लिखत एक लिखता है, लिखता दो लिखते हैं, लिखंत बहुत सारे लोग लिखते हैं, बहुत लोग लिखते हैं, चल चल मीन्स क्या, अच्छा लिखत लिखत मीन्स लिखना हुआ, आपने देखा लिखत मीन्स लिखना हुआ, इससे पहले भी आपने बहुत सारे पास देखे, खग खग मीन्स क्या हुआ पक्षी हुआ, बिड़ाला मीन्स बिलार हुआ, बिड़ाला मीन्स अश्व मीन्स घोड़ा हुआ, तो अभी आपने कितने नाम देखे, अश्व देखा, बिड़ाला देखा, खग देखा, और ये तीनों देखिए इसी रूप में चले हैं, जिस रूप में चल रहा है वचन, तो ऐसे ही चलते हैं। अब आपने लिखत का देखा, लिखत मीन्स लिखना, लिखत मीन्स क्या होता है लिखना होता है, तो एक लिखता है तो क्या लिख देंगे लिखत, दो लिखते हैं तो लिखतः, और तीन लिखता दो से अधिक लिखते हैं कितने भी हैं तो उसके लिए लिखंत,
अभी देखिए चल है, चल का मतलब क्या, चलना, चल चलना। एक वचन क्या हो जाएगा, चलत, चलत मीन्स चलता है। कौन चलता है, एक ही चलता है, लड़का हो लड़की हो स्त्री हो पुरुष हो, पर कौन चलता है, एक ही चल रहा है। घोड़ा हो हाथी हो गाय हो भैंस हो कुछ भी हो, पर कौन चल रहा है, एक ही चल रहा है। चलने के लिए चलत, चलता है। द्विवचन चलतः, दो चलते हैं, कौन चलते हैं, दो चलते हैं। अब बहुवचन चलंती, बहुवचन क्या हो गया, चलंती, चलते हैं, बहुत सारे चलते हैं, लेकिन बहुत सारे मत कहिए, बहुत से चलते हैं। पठ, पढ़, पठ क्या है, पढ़ना। अभी लिखत का, लिखना का देखा आपने, पठ चलना का देखा, पठ क्या है, पढ़ना। पढ़ना का एक वचन क्या हो जाएगा, अगर संस्कृत में आपको बोलना है कि पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, पठत, पढ़ता है, पठत, पढ़ता है। कौन पढ़ता है, एक ही इंसान पढ़ता है, एक ही बच्चा पढ़ता है, एक ही बच्ची पढ़ती है, कोई भी हो पर एक है। द्विवचन पठता, दो पढ़ते हैं, और बहुवचन के लिए पठंती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पठंती हो जाएगा। खाद, खाद मीन्स खाना, हम सब खाना खाते हैं तो खाद, खाद मीन्स खाना। एक वचन खादत, खाता है, खादत, खाता है। अगर कहीं खादत है तो आपको समझ जाना है खाता है, कोई एक खाता है। द्विवचन खादता अगर आया तो दो खाते हैं। बहुवचन खादयंत, खाते हैं, खादयंत, खाते हैं। पीयू, पीयू मीन्स पीना होता है, हम सब पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, रस पीते हैं, जो फ्रूटी पीते हैं, जो भी पीते हैं। पीबत, पीबत मीन्स पीता है, पीबत मीन्स पीता है, पर कितने, एक के लिए है, एक वचन है, एक वचन है, ध्यान दीजिएगा। पीबत, पीता है, कौन पीता है, एक वचन है, एक पीता है। दो, द्विवचन, द्विवचन पीबतः, द्विवचन का क्या हो जाएगा, देखिए सब रूप उसी ढंग से चल रहे हैं। द्विवचन पीबतः, दो पीते हैं। बहुवचन पीबंती, पीबंती मीन्स पीते हैं, कौन पीते हैं, बहुत सारे लोग हैं। धाव, दौड़ना, धाव मीन्स दौड़ना, तो इसका एक वचन देखिए धावती, धावत मीन्स दौड़ता है, कौन दौड़ता है, एक, कोई एक दौड़ रहा है। द्विवचन धावत, दो दौड़ते हैं, या घोड़े अश्व अश्व धावत, धावती अश्वा, अश्व धावता, अश्व धावंती, ऐसे इसका रूप चलेगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा है, किसी के लिए भी आप धावत का प्रयोग करेंगे तो ऐसा ही चलेगा। धाव, धाव मीन्स दौड़ना, और ये धातु आपको याद करेंगे तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। तो क्या हो गया, एक वचन धावत, दौड़ना, द्विवचन धावता, दौड़ते हैं, बहुवचन धावंती, दौड़ते हैं। अब देखिए गर्ज, गर्जना, कौन गर्जता है, मेघ, मेघ भी गर्जते हैं, मेघ कौन, बादल। सिंह भी गर्जता है, अब पीछे भी हमने आपको पढ़ाया है, पार्ट पांच अगर आप देखेंगे, जो वीडियो आपने पीछे की नहीं देखी है तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप पीछे की वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो आपकी पढ़ाई आधी अधूरी रह जाएगी। मैंने बेसिक से पढ़ाना इसलिए ही चालू किया है कि जिनको बेसिक से नहीं आता उसके लिए लाभकारी होगा। तो देखिए क्या है, गर्ज, गर्ज मीन्स गर्जना, कौन गर्जता है, बादल गर्जते हैं, मेघ गर्जता है, और कौन गर्जता है, सिंह गर्जता है। तो एक वचन गर्जत, क्या हो जाएगा, गर्जत, गर्जता है, कोई एक गर्जता है। द्विवचन गर्जता, दो गर्जते हैं। बहुवचन गर्जयंत, बहुवचन क्या हो जाएगा, गर्जयंत, गरजते हैं। चर, चूर, देखिए चूर, चूर मीन्स चुराना, चोर चुराता है, चोरेयति, तो चोर, चोरों के लिए क्या आता है, चूर, कोई चोरी करता है तो क्या होता है, चूर। तो चूर में कैसे, कितने लोग हैं, कैसा है, इसको जानने के लिए आपको वचन देखना पड़ेगा। एक वचन चोरेयति, चोरेयति मीन्स चुराता है, चोरेयति, चोरेयति मीन्स चुराता है। चोरेयता, चोरेयता मीन्स दो चुराते हैं, चोरेयता मीन्स दो चुराते हैं। चोरयंती,
चोरियंत मीन्स चुराते हैं, चोरियंत मीन्स क्या होगा, चुराते हैं। एक वचन क्या हो गया, चोरयत, चोरयत मीन्स चुराता है। द्विवचन क्या हो गया, चोरयतः, चोरयतः मीन्स दो चुराते हैं। और बहुवचन क्या हो गया, चोरयंत, चोरयंत मीन्स बहुत सारे लोग मिलके चुराते हैं। क्रीड, क्रीड मीन्स खेलना, क्रीड मीन्स खेलना। अब देखिए खेलना का कैसे चलेगा, एक वचन क्या, क्रीडत, क्रीडति, क्रीडत मीन्स खेलता है, कोई एक खेलता है। एक वचन एक को दिखा दर्शाता है, तो कोई एक खेलता है। द्विवचन क्रीडता, दो खेलते हैं। बहुवचन क्रीडयंत, खेलते हैं। और अगर इसको आपको याद करना है तो आप अगर दोबारा भी वीडियो दो से तीन बार देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो सकता है। तो एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए, एक वचन क्रीडयत, खेलता है। द्विवचन क्रीडता, दो खेलते हैं। बहुवचन क्रीडयंत, खेलते हैं। गम, गम देखिए, गम मीन्स होता है जाना, गम मीन्स जाना। एक वचन गच्छत, गच्छत जाता है, कौन जाता है, एक जाता है, कोई एक जाता है, वह कोई भी हो पर एक ही जाता है। एक के लिए, एक दर्शाने के लिए, एक वचन के लिए गच्छत लिखेंगे। द्विवचन के लिए गच्छता, गच्छता मीन्स दो जाते हैं। और बहुवचन गच्छयंत, बहुवचन के लिए क्या लिखेंगे, गच्छयंत, गच्छयंत बहुत सारे लोगों के लिए या कितने भी हों उनके लिए हो जाएगा। देखिए रक्ष, रक्ष मीन्स रक्षा करना, रक्ष मीन्स रक्षा करना। एक वचन देखिए रक्षत, रक्षा करता है। अगर आप कहते हैं सिपाही, एक सिपाही रक्षा करता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, रक्षत, रक्षा करता है। द्विवचन रक्षता, दो लोग रक्षा करते हैं, दो लोग मिलके करते हैं। समझिए सिपाही है, सैनिक है, आर्मी वाले हैं, या आपके सोसाइटी का कोई सिक्योरिटी है, तो दो सी दो हैं, कितने हैं, दो है, तो दो के लिए हम क्या कहेंगे, रक्षता, दो रक्षा करते हैं। और बहुवचन के लिए रक्षयंति, रक्षयंति, रक्षयंत मीन्स रक्षा करते हैं, रक्षयंत मीन्स रक्षा करते हैं। भू, भू मीन्स होना होता है, भू मीन्स क्या होगा, होना। देखिए एक वचन भवत, भवत मीन्स होता है, भवत मीन्स होता है। द्विवचन भवतः, दो होते हैं। बहुवचन भवंति, होते हैं। बद, बद मीन्स बोलना होता है। एक वचन बदत, एक वचन में क्या कहेंगे, बदत, बदत मीन्स बोलता है। द्विवचन बदता, दो बोलते हैं। बहुवचन बदंत, बोलते हैं। अर्च, पूजा करना, पूजा तो सभी लोग करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो पूजा न करता हो, तो उसको कहेंगे क्या कहेंगे, अर्च, अर्च मीन्स पूजा करना। देखिए एक वचन अर्चत, पूजा करता है, कोई एक पूजा करता है। द्विवचन अर्चता, दो पूजा करते हैं, दो मिलके, पति पत्नी भी हो सकते हैं, दो मिलके करते हैं, आप दो मिलके करते हैं कि नहीं, तो दो करते हैं। बहुवचन अर्चयंत, बहुत सारे, पूरी पब्लिक मिलके पूजा कर रही है यहाँ पे। अगर पूरी पब्लिक मिलके कर रही है या पूरे घर की फैमिली कर रही है, तो क्या लिखेंगे, अर्चयंत, सभी लोग पूजा करते हैं। बस, बस मीन्स बसना, रहना, जहाँ पे आप बोलते रहते हो उसको क्या बोलते हो, हम बस गए हैं वहाँ पे, हम रहते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या क्या प्रयोग करेंगे, रह, देखिए बसत, रहता है, कोई एक रहता है, बसत एक वचन, कोई एक रहता है। बसता, दो, द्विवचन, कोई दो रहते हैं, द्विवचन बसता, दो रहते हैं। बहुवचन बसंती, बसंती, रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, गांव भर के लोग रहते हैं, घर भर के लोग रहते हैं, कोई भी हो जा सकता है। अब देखिए छिप, छिप फेंकना, फेंकना, कोई चीज आप फेंकते हो तो बॉल फेंकते हो, अदरवाइज कोई भी चीज हो गई, तो उसके लिए क्या, छिप का प्रयोग करते हैं। फेंकने के लिए क्या करेंगे संस्कृत में,
फेंकने को छिप बोलते हैं। हालांकि बहुत से लोग संस्कृत को बहुत ही हवा समझते हैं, बहुत ही कठिन समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। अब देखिए, एक वचन छिपौति, फेंकता है कोई, एक है जो फेंक रहा है, अभी बॉल फेंक रहा है, कचरा फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है, कुछ भी फेंक रहा है, लेकिन फेंक रहा है और कौन, एक को दर्शाया गया है। एक वचन है छिपत, छिपत फेंकता है, फेंकता है। द्विवचन छिपता, दो फेंकते हैं। बहुवचन छिपयंती, फेंकते हैं। देखा आपने, एक बार फिर से मेरे साथ दोहरा लीजिए, छिपति फेंकता है, द्विवचन छिपता, दो फेंकते हैं, बहुवचन छिपयंत, फेंकते हैं। नृत्य, देखिए नृत्य तो ऐसे भी आपको समझ में आता है, नाचना, नृत्य मीन्स नाचना। और आगे भी हमने पढ़ाया है ना मोर का नृत्य के बारे में, तो एक वचन नित्यति, क्या होगा नित्यत, कोई एक नाचता है, लड़का है, लड़की है, कोई भी है तो एक नाच रहा है, तो क्या लिखेंगे, नित्ययति, नृत्ययति। ध्यान दीजिएगा, न के नीचे ये जो है, ये किसकी ध्वनि देता है, ये र है। र भी मैंने आपको बताया था कि चार प्रकार के होते हैं। ये लेसन खत्म होने के बाद, ये अपना सीरीज 10 लेसन का है, इसके खत्म होने के बाद आपको मैं एक र पे ही वीडियो दे दूंगी। तो एक वचन नृत्ययति, नाचता है, कोई एक नाचता है। द्विवचन नृत्यः, दो नाचते हैं। बहुवचन नृत्ययन्ति, नाचते हैं, बहुत सारे लोग हैं और नाच रहे हैं। प्रच्छ, प्रच्छ मीन्स क्या होता है, पूछना। अब ये देखिए, एक र आपने उधर देखा जो कि पीछे लगा, यहाँ पे भी देखिए प्रच्छेयत में कौन सा र लगा है, नीचे लगा है, और जो प्रच्छ है इसमें भी र है, ये भी र है, दो र हो गए, और एक र ऊपर रहता है, जैसे कर्म लिखते हो आप, ऊपर रहता है, और एक र पूरा रहता है जो राम वाला र है, तो चार र हो गए ना। पर इसकी वीडियो मैं आपको विस्तृत में बना के दे दूंगी। प्रच्छ, प्रच्छ मीन्स पूछना। एक वचन प्रच्छेयत, पूछता है, कोई एक पूछता है। द्विवचन पृच्छता, दो पूछते हैं। और बहुवचन पृच्छयंती, बहुवचन क्या हो जाएगा, पृच्छयंती, पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। अस, अस मीन्स होना, अस मीन्स क्या है, होना। देखिए एक वचन अस्ति, अस्ति मीन्स है, होता है। और यहाँ पर ही देखिए आपको थोड़े शब्द बदले लगेंगे, चूंकि हिंदी इंग्लिश में आप इज का है पढ़ते हैं, हिंदी में है पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में अस्ति मीन्स है, होता है। संस्कृत में अस्ति मीन्स है, होता है। तो अस है, ये अस धातु वो होना है। तो एक वचन क्या हो जाएगा, अस्ति है। और द्विवचन क्या हो जाएगा, अस्थ, अस्थ, अस्त, क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, अस्त दो हैं। अब बहुवचन के लिए संति, बहुवचन के लिए संति हो जाएगा, अगर जहाँ बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, संति हो जाएगा। एक बार आप मेरे साथ फिर से दोहराइए, अस्ति, अस्ति मीन्स है, द्विवचन अस्त, अस्त दो हैं, और बहुवचन संति है। तो दोस्तों, ये आपका वीडियो आज मैंने लिट लकार पढ़ा हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में, और जितनी भी धातुएं पढ़ी इनको आपको याद कर लेना है। और मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका सहयोग हमारे लिए और हमारा सहयोग आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अंत तक देखिए, और नहीं अच्छी लगती है तो आप जा भी सकते हैं।